गठबंधन में बहुत आजकल जरा खलबसात फैला हुआ है, तो इनके गठबंधन के खलबसात में ही आमदार साहब हमको भी जरा लपेट लेते हैं क्या? आमदार साहब, मैं तो सीधा बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि मालेगांव शहर के आमदार को अभी भी कुछ नहीं आता। अब वो बोले कि मैं भी अब सीख गया हूँ। क्या सीखे मालूम है? जब इलेक्शन हो जाता है, पक्ष से चुन कर आती है कोई और पार्टी से, जैसे पहली टाइम आए तीसरे मास से इनके 28 नगर सेवक ही कारपोरेटर बने, कांग्रेस के साथ पेक्ट करे, महापौर कांग्रेस का बना है ना? फिर उसके बाद में इन्होंने, फिर इनके CTI वो तीसरे मास से ही, फिर ये चले गए वो कौन सा, दो नारियल में, डेढ़ नारियल में, फिर उसके बाद में चले गए MIM में। और जब जब ये किसी भी पार्टी से चुन करके आए, तो इन्होंने किसको ही कोई पक्ष देखा नहीं कि मैं कौन से पक्ष का है, कौन सी पार्टी का हूं। अभी जैसे MLA बने, तो आप लोगों ने देखा, ये शहर जानता, ये महाराष्ट्र जानता कि गाड़ी में किसके घूमे, किसको वोट दिए राज्यसभा में, विधान परिषद में, है ना? और हमारे बारे में बोलते हैं कि वो जा करके अजीत दादा से मिलते हैं। अभी हम सेकुलर लोग हैं, और ये जो पार्टी चुन करके वो सेकुलर पार्टी है क्या? MIM कोई सेकुलर पार्टी है? अब इनकी सेकुलर अगर पार्टी होती तो ये BJP को वोट नहीं देते, ये शिंदे के साथ मिलके विधान परिषद में वोट नहीं देते। तो पिछले टाइम भी जब चुनकर आए थे, उससे पहले टाइम जब भी इनका यही रवैया था, यानी सेकुलर आवाम की वोट लेकर के जाके BJP सेना इनको वोट देना। और हम तो इसलिए जाते, जैसे आसिफ भाई गए थे अभी मिलने के लिए, जब पार्टी एक भी थी हमारी, वो भी जब भी अजीत दादा से मिला करते थे। और आज गांव के अंदर अगर कुछ काम दिख रहा है रोड रास्तों का, तो जब भी अजीत दादा ने हमको फंड दिया 15 करोड़, भुजबल साहब ने 5 करोड़ जब पालक मंत्री थे, और अजीत दादा ने दिया। आज भी हम आवाम के काम के लिए आसिफ भाई गए, 50 करोड़ मांगा, हो सकता 15-20 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो किसका फायदा होगा? मालेगांव शहर की जनता का, आवाम का होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इनको इतना बुरा लगा इस बात का, आसिफ भाई जब अजीत दादा से मिले, अजीत दादा तो BJP में गए नहीं ना, मैं तो BJP में गया नहीं ना, ये तो अंदर देर नारियल के रहते, सोनिया गांधी से मिलते थे, बोले मैंने सोनिया गांधी से मिलकर के वो मंजूरी करवाया, अंदर भी नहीं थे जब 300 सिविल हॉस्पिटल। तो झूठ बोलने में देखते, एक नंबर, मुंह खोला झूठ बोला, मुंह खोला झूठ बोला। अब अगर इनके बारे में, इनके गठबंधन के लोग अगर कोई बात अगर बोल रहे हैं, इनकी चोरी पकड़ रहे हैं, इनके 8 करोड़ के फंड के अंदर अगर किसी ने टेंडर भर दिया, इनको क्यों इतना बुरा लग रहा? टेंडर भरना हर किसी का अधिकार है, कोई भी ठेकेदार कोई भी काम का टेंडर भर सकता है, प्रेशर दबाव नहीं चलता। हाँ, एक कंप्रोमाइज होता है, भाई ठीक है, दो काम तो ले ले, चार काम तो ले ले। मैं तो ये बोलूंगा कि पहली आमदार का फंड, आमदारगी का फंड इनका, और आज की आमदारगी के ये 3.5-4 साल के फंड की चौकसी होना चाहिए। क्योंकि जो मैं लोगों की, जब इनके गठबंधन के लोगों की प्रेस सुनता हूं, तो उसमें समझ में आता है कि यह काम ही नहीं हुआ और बिल निकल गया। तो इन्होंने भी बाजू के मंत्री जो है हमारे महाराष्ट्र के, दादा भुसे साहब, उनके ही धंधा सीख लिए इनके रोड भी। ये भी क्या करते, खाली मंजूर करते, रमजान पूरे के अंदर ये रोड मंजूर, वो रोड मंजूर, तो रोड ही बनता नहीं और बिल ही निकल जाता हो। खाली इधर का नहीं, उधर कैंप का भी ऐसी है, पूरे वो इलाकों का, ग्रामीण भाग का यही हाल है। तो ये सीख, वो जो बोलते हैं ना, मैंने सीख लिया, वो आपसे बात कर, मैंने सीख लिया हूँ, है ना? तो ये सीखे उन्होंने, क्या सीखे? रोड बनाना नहीं, बिल निकाल लेना। इसलिए इनके ही लोग अगर इनकी चौकसी करा रहे हैं,
तो मैं तो इससे ज्यादा बोलूंगा कि पिछले 5 साल के और अभी के 5 साल के कामों की, इनकी 3.5-4 साल के कामों की चौकसी होना चाहिए। और इसमें चोरी पकड़ी जाएगी, क्या दाढ़ी में तीन का क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तीन का, तो ये तो झूठ बोलने में एक नंबर है। फिर अब चोर कौन है? न्यायालय में साहब की एक वीडियो आजकल चल रही है, जब पहले आमदार बने थे, हयात थे न्यायालय में साहब, बोले चोर एमएलए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मतलब जब इसको बोले कब की है ये, तो जब वो बोले ना किसी काम करने देता है ना खुद काम करता है, हर जगह अड़थड़ा डालता है, बोले चोर एमएलए। बोले देवबंद में भी झगड़ा लगा के रखा है, जब मुझे लगा कि नहीं यार ये एमएलए की बात है क्या। और न्यायालय में साहब तजुर्बेकार इंसान थे, उनको समझता था, इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि ये राज करके अंदर एंट्री करे, क्योंकि एक आलिम बिगड़ता है तो आलम बिगड़ जाता है। और यही तजुर्बा न्यायालय मत साहब को था। चोर मैंने नहीं बोला है, चोर न्यायालय मत साहब ने बोले, उनकी वीडियो जो आजकल चल रही है। और वो लीडर ऐसे थे कि सब कुछ उनको समझता था। और बताओ ना इसके, ये एमएलए की नियत कब साफ है पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में, ये लोगों के घर के बारे में बोले। अरे मुझे तो इतना मालूम है कि अगर मैं जब देखा ना बताना शुरू करूंगा ना, तो इनको ये गांव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, इतनी बुरी बुरी बातें इनके बारे में। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जातियात पे नहीं बोलते, क्या समझे। हाँ अगर कोई एक इनका कार्यकर्ता बंबई से रह के हमारे घर के ऊपर अगर वार करेगा, हमारे को अगर बोलेगा, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे यार। अगर हम पे, अगर हमारी जातियात पे अगर कोई बोलेगा, तो हम तो बहुत अलग है, राजकारण छोड़ के मैदान में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम राजकारण में हैं, इसके लिए अब हमें बर्दाश्त करने का मादा है। बहुत सारे वारदातें होती भी है तो हम उसको दरगुजर करते हैं। और सही बात है, इन्होंने ऐलान किया है ना, दरे गांव का सर्कल बनाऊंगा, आमदार मालेगांव का सर्कल बना रहे ग्रामीण में है ना। आज दादा भूसे इनको अच्छे लग रहे, पीछे खराब लगते थे। हमने तो हमेशा 25 साल 30 साल से मेरा रिकॉर्ड है कि मैं प्रेसिडेंट बना शिवसेना से, साथ में सपोर्ट से, सब पार्टियां मिलकर बनाई थी। आज महापौर बने तो शिवसेना से, मेरी मिसेज दोटे महापौर बनी, शिवसेना की सपोर्ट से बनी, बीजेपी की भी सपोर्ट रही। तो ये शहर के विकास के लिए सब पक्ष अगर एक आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। और इसीलिए मैं भी जाके मिलूंगा अजीत दादा से, मैं भले शरद पवार साहब के साथ हूँ, लेकिन अजीत दादा से मैं ही मिल सकता ना। वहां कोई बंदी थोड़ी है, वोट थोड़ी लगा हुआ है कि ये पार्टी का आदमी आकर के यहाँ नहीं मिलना, ये पार्टी ने आके फंड नहीं मांगना। जो जाता है विकास निधि मांगता है शहर के विकास के लिए, और ये देने वाले लोग हैं। और जब विलासराव थे कैलाशवासी मरहूम, उनके जमाने में बहुत, मैंने तो बीजेपी वालों को ले गया, शिवसेना वालों को ले गया, आरपीआई वालों को ले गया, आरएसएस वालों को ले गया। तो ये राजकारण का हिस्सा है, किसी का काम करने के लिए अगर एक टाइम इंसान अगर चुनकर आ गया तो सबका आमदार होता है, सबका मेंबर होता है, सबका महापौर होता है, सबका खासदार होता है। इसलिए चुनकर आ जाने के बाद में दूजा भाव नहीं होना, जो आया काम लेके चले गए। पावर लूम का काम नहीं करे क्या हमने, क्या हमारे खिलाफ नहीं रहते पावर लूम वाले, तो ये अच्छी बात नहीं। तो इनको जरा अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए आमदार साहब को, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए, है ना। करोड़ हमने नहीं लिए बीजेपी वालों से, लाखों सीआर हमने नहीं गिने ले। एक बात ये रही, दूसरी बात, जो उठ रहा वो छूट रहा, जो उठ रहा वो छूट रहा, घर पट्टी के बारे में क्या। अरे ऐसा है कि हमारा शहर इतना बड़ा हो गया, हमारे शहर के रोड रास्ते बहुत खराब थे, वो तो हमने ही शुरुआत की। हमने ये शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड, आगरा रोड, ये जो बन रहा है ना, ये हमारी देन है अल्लाह के करम से। आज गांव में सीमेंट रोड अगर बन रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है, हमारी देन है। तो कॉरपोरेशन से करवाया हमने, तो आधा गवर्नमेंट से लाए,
अभी और लाएंगे हम 15-20 करोड़, किसी कोई बोलना है क्या इसके ऊपर? लेकिन इनकी जली कहा मालूम, आसिफ भाई नहीं जाते तो मैं जाके बोलता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है तुम भले बीजेपी के साथ जाओ, तुम बीजेपी पार्टी में चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, झूठ बोलने में एक नंबर हो क्या? बाबागिरी भी आती इनको क्या? कोई लीडर को बच जाते तो असर दे लगा देते है ना, इनका धंधा ही हो। पहले से सुने नहीं क्या बोले? कई वो मनी ढूंढने जाते थे है क्या? कई शिकारों के अंदर रहे, शिकार में लेकिन भाग कर आ गए, दूसरों को बसा दिए, तो ऐसा तरीका तो इनका धंधा है। मैं बोलना नहीं चाहता था, खामोश था इनके बारे में और सभी के बारे में। अभी उठ रहा है छोटा भी भैया घर पट्टी इसलिए बढ़ेगी, सर्वे जो वो वोट थी ना मेंबरों की वोट थी सबकी, जब कहाँ गए थे क्या वहां विरोध क्यों नहीं किया उसने? अरे ये क्या है, कुछ लोग मेरी जैसे वो इन्होंने बोले तो मेरी उंगली पकड़ के अल्लाह ने कुछ लोग को चलाया मालेगांव में राजकारण में तो, लेकिन वो कैसा है कि अल्लाह सबको नवाजता है, हर एक को नहीं नवाज देता। सब अमीर हो गए है ना, तो गरीब तो कोई रहेगा, अगर एक आमदार हुआ सब थोड़ी आमदार हो जाएगी। जैसे मुफ्ती साहब आज हो गए आमदार, क्या लालच जागी थी ना तो हो गए, नहीं तो आलिम अच्छे थे। अभी वो कोई उनके ही बंदा एक कोई उनके खिलाफ बोल रहा हो कि ये आसिफ भाई ने बोले वो क्रिकेट ग्राउंड बनवाया, इनको सही में आता ही क्या था? ये तो दूसरे के माल पे है ना बैठने का नागोबा बनके और मेरा माल ऐसे जपने का भी ऐसे ऐसे, ये धंधा है इनका आमदार साहब का। और अगर इन्होंने कुछ घर हमारे क्या कर लेगा, तो हमारे घर पे आके क्या देख लिया, क्या ले लेगा, ऐसा बोल रहा आपने? नहीं तो मैं बोला ना, मैं जातियात पे उतरा ना, जातियात पे बोलने अगर लगा इतने तमाशे है क्या कि जिसके गलत में, यानी इससे हटके सब ये पैसा खाने पे से, धंधे करने पे से, नहीं बनाने पे से क्या, तो इनको घाट छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। अगर शुरू करूंगा तो मैं एक एक की रिपोर्ट मैं भी रखता, तो इन्होंने ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। एमएलए है, तमीज से पेश आना चाहिए, हमारे घर मत देखो। अब दादागिरी से हम डराते और रहते नहीं, अब दादागिरी करते कहा, हम सब छोड़ चुके हैं, हम लोग कहा ये धंधा नहीं है हमारा, वो जूना मेरा एक टाइम था। और कोई हमारे आंख पर आएगा तो हमारे हाथ पर थोड़ी बंधे हुए यार, कभी जवाब तो देना पड़ता ना है, वो सब आता हमको। अब रह गया मैं एक लिखी लेटर देने वाला हूँ, कंप्लेन देने वाला हूँ, और बाकायदा इनके कामों की अब मेरे लेटर पे चौकसी कराऊंगा, क्या समझे? एक दूसरा खिचड़ियों में दम देने वजह से मेरे लोग को दो, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सब नहीं है, बस मिलना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इनकी नियत हर जगह पैसे में रहेगी, थोड़ी थोड़ी बाजे में जाएंगे। न्यायालय में सब बोलते थे चोर, उसके साथ एक मैं लगाया था, थोड़ी बाजे में जाएंगे।